जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा की तरफ से। अपडेट के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन दोनों की जो 98 करोड़ की संपत्ति है उसे अटैच कर लिया है, और ये किया गया है साल 2017 के एलिजिड पोन्जी स्कीम स्कैम में। माना यह जा रहा है कि साल 2017 में इस कपल ने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में लेकर एक पोन्जी स्कीम लॉन्च की, जहां पर नए इन्वेस्टर्स का पैसा जमा किया गया और उसके बाद से इस स्कैम को अंजाम दिया गया, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। अगर हम बात करें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बारे में, तो इनके वकीलों ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि हम ईडी के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर आ रही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की तरफ से। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि नेस्ले जो कि एक FMCG ब्रांड है, इसका जो सेरेलैक आता है, बच्चों का फूड आता है, उसमें एडेड शुगर पाया गया है अफ्रीका, एशिया और इंडिया में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स में। और इसके बाद से अब जो हमारा FSSAI है ये एक्टिव हो चुका है और इसने कहा है कि हम प्रोब करेंगे नेस्ले के इन प्रोडक्ट्स को। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना सा स्टेटमेंट काफी है, या फिर FSSAI को पहले से ही ये श्योर करना चाहिए कि किस तरह से जो प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल किए जा रहे हैं उनमें कहीं हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं मिलाए जा रहे हैं, और खासकर तब जब ये प्रोडक्ट्स बच्चों की हेल्थ से जुड़े हुए हैं। क्या मानना है आपका, बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे देश की बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस की तरफ से उनके जो CFO है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जयेश शंगरका, इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कैंपस हायरिंग को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम अपनी कंपनी में 50% से ज्यादा की जो हायरिंग है वो ऑफ कैंपस करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लगातार इंफोसिस अपनी हायरिंग पैटर्न्स को चेंज कर रहा है अपनी जरूरतों के हिसाब से, यानी कि जिस तरह से वो कैंपस हायरिंग करते थे उस तरह से अब कैंपस हायरिंग ऐसी नहीं बनी रहेगी, ज्यादातर अब कैंडिडेट्स ऑफ कैंपस भी हायर किए जा रहे हैं। इसी बीच में इंफोसिस का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो भी आउट हो चुका है। इंफोसिस का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट है उसमें 30% का जंप आया है। ओवरऑल इनका जो नेट प्रॉफिट है 7900 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन्हें 1% रेवेन्यू में जंप आया है। अगली खबर में हम बात करेंगे साइंस जर्नल में पब्लिश हुई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी के बारे में। इस स्टडी में यह मेंशन किया गया है कि लगातार दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ता जा रहा है, और साल 2049 यानी कि ऑलमोस्ट 2050 तक दुनिया की जो इनकम है वो लगातार डिक्लाइन करती जाएगी। इसमें 19% का डिक्लाइन देखा जा सकता है। इससे यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा दुनिया की जो इनकम है वो कम होती जाएगी और दुनिया गरीब बनती जाएगी। यहां पर क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगली खबर में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा लिए गए एक मेजर स्टेप के बारे में। इस मेजर स्टेप के तहत भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, और इस कमेटी का काम ये होने वाला है कि ये एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो ड्रग्स और जो मेडिसिन यूज करते हैं इनकी बिक्री अब जनरल स्टोर्स में हो सकती है क्या। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो कॉमन जनरल स्टोर्स हैं जहां पर आप किराने का सामान लेते हैं वहां से आप कॉमन ड्रग परचेज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पर ऐसे रूल्स हैं जहां पर आप जनरल स्टोर से भी ऐसी कॉमन मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इससे एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, लोगों तक जो दवाइयां हैं वो आसानी से मुहैया हो पाती हैं। इसके अलावा भी माना यह जाता है कि देश के जो रूरल इलाके हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा सुविधाओं के साथ नहीं रहते हैं, मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, वहां पर ये काफी मददगार साबित हो सकता है। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट के इस स्टेप के बारे में? फिलहाल गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, आप अपने रिस्पॉन्सेस कमेंट में जरूर बताइए। अगली खबर आ रही है हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। हिंदुस्तान जिंक एक सब्सिडियरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, जो इंडिया की एक मेटल माइनिंग कंपनी है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी बन चुकी है। रिसेंटली वर्ल्ड सिल्वर सर्वे में यह बात सामने आई है कि साल 2024 के अंदर इसने अपने सिल्वर प्रोडक्शन में 6% की ग्रोथ दर्ज की गई है, और इसी के साथ ये कंपनी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुकी है सिल्वर मेटल प्रोड्यूस करने को लेकर। अगली खबर आ रही है PhD चैंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से। अपडेट के मुताबिक इस संस्था ने कहा है कि भारत की जो आगामी ग्रोथ होने वाली है वो 8 से लेकर 8.3% की हो सकती है साल 2030 तक। वहां पर एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया लगातार अपनी ग्रोथ को दर्ज करते जा रहा है, और एक समय ऐसा आ सकता है साल 2030 तक जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, और इस दौरान भारत की जो ग्रोथ रेट है ये 8 से लेकर 8.3% के करीब रह सकती है। अगली खबर में हम बात करने वाले हैं एवरेस्ट मसाले के बारे में। जी हाँ, आपने कई बार टीवी पर एड देखा होगा
टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, लेकिन इस एवरेस्ट की एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है जहां पर सिंगापुर की सरकार ने एवरेस्ट के फिश करी मसाले को वापस कर दिया है। बताया जा रहा है कि इंडिया से ये इंपोर्ट करते हैं एवरेस्ट का फिश करी मसाला और अब इसमें हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, इस वजह से ये जो फिश करी मसाला है इसे वापस इंडिया भेजा जा रहा है, रिकॉल करवाने की बात कही जा रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बीएसई ने एक रेड फ्लैग दिखाया है और कहा है कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं सुंदर रामन राममूर्ति, इनके नाम पर एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों को स्टॉक रिकमेंडेशंस दे रहा है। बीएसई का कहना है कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया है, आपको ऐसे वीडियोस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बताया जा रहा है कि एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फेक वीडियोस को वायरल किया जा रहा है जिसमें ना सिर्फ बीएसई के मैनेजिंग डायरेक्टर को इंक्लूड किया गया है बल्कि बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट और साथ ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान, उनके भी वीडियोस को वायरल करके लोगों को फेक स्टॉक रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं जिस पर लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए और न्यूज को पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगली खबर में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप जानते हैं देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, हाल ही में इन्होंने अपना एफपीओ भी लॉन्च किया 18 अप्रैल को। पहले ही दिन 26% प्रीमियम पे लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब कर लिया, यानी कि इनका जो 18,000 करोड़ का एफपीओ है ये 3 दिनों में पूरी तरह से सब्सक्राइब होना है और पहले ही दिन 26% ज्यादा लोगों ने इस पे इंटरेस्ट दिखाया है। इशू प्राइस की बात करें तो ये 10 रुपए से लेकर 11 रुपए के बीच में रह रहा है और ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला है। अगली खबर आ रही है कंटेंट टू कॉमर्स प्लेटफॉर्म गुड ग्लैम ग्रुप के बारे में। अपडेट के मुताबिक इस कंपनी ने अपने 150 के करीब एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2025 के दिवाली तक ये अपना आईपीओ भी लेकर आने वाले हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जहां पर कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग कर रही है और अपनी वर्कफोर्स को स्ट्रीमलाइन करना चाह रही है, इनका आईपीओ बहुत ही ज्यादा लोग कॉशियस से देख रहे हैं। क्या लगता है आपको इनके भविष्य के बारे में, कमेंट में बताइए। अगली खबर आ रही है एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की तरफ से। स्पाइसजेट के बारे में आप जानते हैं देश की एक बजट एयरलाइन कंपनी है और हाल ही में स्पाइसजेट के जो 3 लेसर्स हैं यानी कि जिन्होंने लेसर किया हुआ है अपने एयरक्राफ्ट, उन्होंने अप्रोच किया है एनसीएलटी को अप्रोच किया है यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, ताकि इनका जो 77 करोड़ का ड्यू अमाउंट है इसे स्पाइसजेट पे कर दे। स्पाइसजेट के पास अभी केवल 2 हफ्तों का ही वक्त है जहां पर ये एनसीएलटी के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे ऑटोमेकर कंपनी बजाज ऑटो के बारे में। अपडेट के मुताबिक बजाज ऑटो का 4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है जहां पर इनके जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 30% बढ़ चुके हैं और 4th क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट है 2,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर को कंपेयर करें तो उस वक्त सिर्फ 1,855 करोड़ के ही नेट प्रॉफिट्स हुए थे और इसी ही दौरान बजाज ऑटो ने अपने एक शेयर के बदले 80 रुपए का डिविडेंड भी अलॉट कर दिया है। अगली खबर में हम बात करेंगे बेटिंग ऐप ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज के बारे में। स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज को रिसेंटली एनसीएलएटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से एक बड़ी राहत की खबर मिली है। इस राहत की खबर में यह बात शामिल है कि एनसीएलएटी ने एक प्ली को दरकिनार कर दिया है जहां पर एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलनी थी ड्रीम 11 कंपनी के ऊपर, वो भी 7 करोड़ रुपए की। यहां पर एनसीएलएटी ने अपने कमेंट में कहा है कि जितना भी ड्यू पीरियड है इसे एग्जेम्प्ट किया जाता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत और यहां पर जब तक ये पीरियड ब्रीच नहीं होता तब तक यहां पर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नहीं चल सकती है। अगली खबर में हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग के बारे में। बोइंग एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है और इसमें काम कर रहे एक इंजीनियर जिनका नाम है सैम सोलेपोर, इन्होंने एक विसल ब्लोइंग का काम किया है। विसल ब्लोअर्स उन्हें कहते हैं जो अपनी ही कंपनी की कमियों को खामियों को उजागर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहां पर गलत एक्टिविटीज हो रही थी। यहां पर सैम सोलेपोर का कहना है कि जो भी बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट के सेफ्टी इश्यूज के बारे में बोलता था उसे फिजिकल थ्रेट्स भी दिए जाते थे यानी कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अभी सैम के जितने भी आरोप हैं उन्हें एनालाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, जांच हो रही है कि कितने सच कितने गलत हैं। फिलहाल इस बात से बोइंग कंपनी की जो इमेज है उस पर बुरा असर तो जरूर पड़ेगा। तो यहां हम सम अप करते हैं आज के अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेज़ आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।